एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं। वैसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्किन टैन के बहुत सारे रीज़न भी होते हैं, और स्किन टैन जब हो जाता है तो टैनिंग रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो घर बैठे ही एक बहुत ही छोटा सा नेचुरल सा DIY आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो देखिए, स्किन जब टैन हो जाती है तो वो पैचेस पड़ जाते हैं, कहीं कहीं पर हमारी स्किन इवन होती है, कहीं तो अनइवन हो जाती है, मीन्स कहीं पर भी ब्लैक, कहीं पे थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है और बाकी की जगह पे थोड़ा सा हमारे स्किन कलर के टोन में ही रहता है। तो वो अनइवन जो स्किन टोन होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी पसंद नहीं है। और वैसे भी धूप, फिर गर्मी और बारिश, इन सारी चीज़ों से हम बच नहीं सकते हैं और हमारी स्किन टैन हो जाती है। तो टैन रिमूव करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन सा पैक शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा टैन हो चुकी थी, तो मैंने क्या किया और अभी भी थोड़ा सा मुझे और भी उस पर काम करना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जब इसे आप प्रिपेयर करके लगाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, 100% इफेक्टिव है, जिससे कि आप अपने स्किन की टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं, स्किन के दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं, चेहरा आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ब्लैमिशेस फ्री हो जाता है इसे रेगुलर यूज़ करने से। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि आज की DIY और रेमेडीज़ किस तरह से ये वर्क करती है हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे, पूरा लाइव करके दिखाया है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होते रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम फॉस्फोरस पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने का भी बहुत अच्छा काम करती है। तो गेहूं का आटा आप ज़रूर लीजिए, ये आपके स्किन के टैन को भी रिमूव करने का बहुत अच्छा काम करती है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर लेना है कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्किन में एक बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है, हमारे स्किन को ब्राइटनर बनाती है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देती है, ब्लेमिशेस को फ्री कर देती है और हमारे स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं उसे दूर करती है। तो यहाँ पे आप ज़रूर लीजिएगा, तो मीन्स कॉफ़ी। और इसके बाद आपको लेना है कस्तूरी हल्दी। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारे स्किन में डीपली पेनिट्रेट होके हमारे स्किन के कलर को भी ये इन्हांस करती है, निखारती है, रंगत काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। स्किन को टाइटन अप करने की अगर बात आती है तो एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, मार्केट वाली ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है और ये अच्छी तरह से आपके स्किन पे वर्क करती है, आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करती है। स्किन को टाइटन अप करने के लिए एलोवेरा जेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सूद होती है और स्किन पे जो भी ब्लेमिशेस होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे मुहासों की वजह से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसे श्रिंक करने का भी काम करती है। साथ ही साथ इस पैक को बनाने के लिए आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर पानी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ले रही हूँ और इस पैक को बना करके आपको इसी तरह से रेडी करना है। स्किन टैन की अगर मैं बात तो ये सारी जो सामग्री है अगर आपने इस तरह से मिक्स कर ली तो आपके स्किन को निखारने का ये बहुत अच्छा काम करेगी, दाग धब्बे दूर करेगी, जो इन्फ्लेमेशन हो रखे हैं फेस पे उसे भी ये दूर करने का काम करती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसे हम लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आप मेरा फेस देख सकते हो, हमने हमारी रेमेडी जो प्रिपेयर कर ली है, बट हमारा मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है, धूप एंड ऑल पोल्यूशन। हम जब भी बाहर जाते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल है या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल है, अगर आप हाउस वाइफ हैं फिर भी अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो ये सबसे बेस्ट पैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, जिसके वजह से कि आपके स्किन बहुत ही अच्छे से सन टैन, सन बर्न की वजह से जो भी इन्फ्लेमेशन हो रखा है स्किन पर वो सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। तो अच्छी तरह से इसे आपको पूरा इवनली अपने चेहरे पे लगा लेना है इस पैक को, और इसे लगा करके कम से कम 45 मिनट्स आप ज़रूर छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप इसे रिमूव करिए। 45 मिनट्स इसलिए मैंने कहा क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी टाइम लग जाता है इसे सूखने के लिए, और अगर आप अपने फेशियल हेयर को भी निकालना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आपके फेशियल हेयर भी वीक होते हैं और ये टूट जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, ये 2-in-1 पैक है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है दोस्तों, और टैन भी बहुत अच्छी तरह से निकल गया है। छोटी सी वीडियो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।